नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई मंडी अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए 12 अक्टूबर के महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा मंडियों के मंडी अपडेट्स जान लेते हैं। अकोला की मंडी में उड़द के दाम थे 5,000 रुपये, चने के दाम थे 4,600 रुपये, मूंग के दाम थे 6,100 रुपये, तुअर के दाम थे 6,000 रुपये, ज्वार के दाम थे 12,000 रुपये, सोयाबीन के दाम थे 4,700 रुपये, गेहूँ के दाम थे 1,730 रुपये। औरंगाबाद की मंडी में लौकी के दाम थे 2,000 रुपये, बैंगन के दाम थे 3,000 रुपये, पत्ता गोभी के दाम थे 500 रुपये, ककड़ी के दाम थे 1,300 रुपये, फूल के दाम थे 3,250 रुपये, हरी मिर्च के दाम थे 1,850 रुपये, भिंडी के दाम थे 3,400 रुपये, नींबू के दाम थे 1,800 रुपये, प्याज के दाम थे 2,150 रुपये, आलू के दाम थे 1,000 रुपये, टमाटर के दाम थे 2,500 रुपये। जलगांव की मंडी में लौकी के दाम थे 2,500 रुपये, उड़द के दाम थे 4,800 रुपये, क्लस्टर बीन के दाम थे 3,000 रुपये, ककड़ी के दाम थे 1,000 रुपये, फूल के दाम थे 3,000 रुपये, अदरक के दाम थे 1,600 रुपये, मूंग के दाम थे 6,300 रुपये, भिंडी के दाम थे 1,800 रुपये, नींबू के दाम थे 1,800 रुपये, प्याज के दाम थे 2,200 रुपये, अनार के दाम थे 7,500 रुपये, आलू के दाम थे 1,100 रुपये, ज्वार के दाम थे 1,800 रुपये और सोयाबीन के दाम थे 4,700 रुपये। कोल्हापुर की मंडी में बैंगन के दाम थे 3,500 रुपये, पत्ता गोभी के दाम थे 500 रुपये, धनिया के दाम थे 850 रुपये, फूल के दाम थे 1,125 रुपये, हरी मिर्च के दाम थे 1,250 रुपये, प्याज के दाम थे 2,700 रुपये, टमाटर के दाम थे 1,900 रुपये। लातूर की मंडी में उड़द के दाम थे 6,900 रुपये, चने के दाम थे 4,500 रुपये, गेहूं के दाम थे 1,900 रुपये, सोयाबीन के दाम थे 5,450 रुपये। मुंबई की मंडी में आंवले के दाम थे 5,000 रुपये, अरबी के दाम थे 2,300 रुपये, लौकी के दाम थे 3,300 रुपये, अदरक के दाम थे 2,300 रुपये, भिंडी के दाम थे 4,100 रुपये, नींबू के दाम थे 2,400 रुपये। नागपुर की मंडी में सेब के दाम थे 12,500 रुपये, केले के दाम थे 525 रुपये, लौकी के दाम थे 6,500 रुपये, पत्ता गोभी के दाम थे 1,425 रुपये, शिमला मिर्च के दाम थे 3,875 रुपये, सूखे धनिया के दाम थे 6,925 रुपये, लहसुन के दाम थे 6,000 रुपये, चने के दाम थे 4,850 रुपये, भिंडी के दाम थे 2,375 रुपये, प्याज के दाम थे 3,525 रुपये। पुणे की मंडी में सेब के दाम थे 9,500 रुपये, अरबी के दाम थे 1,500 रुपये, आंवले के दाम थे 2,800 रुपये, बाजरे के दाम थे 2,500 रुपये, केले के दाम थे 1,000 रुपये, करेले के दाम थे 1,950 रुपये, उड़द के दाम थे 9,100 रुपये, लौकी के दाम थे 1,400 रुपये, बैंगन के दाम थे 2,500 रुपये, पत्ता गोभी के दाम थे 500 रुपये, शिमला मिर्च के दाम थे 2,500 रुपये, गाजर के दाम थे 1,850 रुपये, सूखे धनिया के दाम थे 10,100 रुपये, ककड़ी के दाम थे 1,400 रुपये, फूल के दाम थे 1,500 रुपये, लहसुन के दाम थे 5,500 रुपये, चने के दाम थे 6,500 रुपये, मूंग के दाम थे 7,850 रुपये। किसान भाइयों, ये थे महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा मंडियों के मंडी अपडेट्स। इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए कृषि भाई के साथ। धन्यवाद।